Assalamualaikum guys, welcome to another vlog and welcome to our channel. Everyone, मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, अभी तो सिर्फ मेरे तरफ से रमज़ान सबके लिए मुबारक हो. और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वही 9th फ्लोर में हूँ जहाँ पे कल और परसों जिलजिला हो गया था. कल रात भी थोड़ा बहुत जिलजिला हो गया, लेकिन परसों बहुत ज़्यादा हुआ. सो चलो इस बात को हम यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से जो होता है तो वो होता है. और हम मैं अभी जा रहा हूँ मुजम्मिल के पास, तो उसके साथ फिर जाके कुछ घर का सामान वगैरह लेना है जो अम्मी ने मेरे अम्मी ने अभी बताया. और बाकी शरारा महिला सो रहे थे, तो क्योंकि रोज़ा रखा उन्होंने, थोड़ा सा दिल्ली से हो गया. सो मैं खाना शाना वगैरह सब कुछ ले के फिर वापस आता हूँ. खाना शाने नहीं लेते हैं, बस फ्रूट वगैरह और कुछ गोश्त वगैरह लेके मैं वापस घर आता हूँ. और सबका इंटरव्यू लेता हूँ कि क्या आज पहले रोज़ा कैसा फील किया, कैसा, मतलब सब आपको पता है ना, तो फिर आप लोगों को साथ शेयर करेंगे. ओके जी भाई जान, मैं मुजम्मिल के साथ आया हूँ बाहर. मुजम्मिल क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है. आपका और रोज़ा है, रमज़ान मुबारक. और हम आ गया है जी सब्जी मंडी है जी, मिनी सब्जी मंडी है ये. हाँ ये जी 9th फ्लोर में है. सो अभी हमें कुछ फ्रूट वगैरह लेना है, उसके बाद गोश्त वगैरह जो अम्मी ने बोला रोज़ा अफ्तार कर सके. ठीक है, तो उसके बाद फिर हम घर चलते हैं, सामान दे देते हैं, वापस हम बाहर आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर शाम को इफ्तारी के लिए तैयार करते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया जी. गाइस मैंने सबसे पहले भिंडी देखा, भिंडी मुझे मेरा फेवरेट है भाई जान, मैं तो वैसे ही लेके जा रहा हूँ. मुबीन को भिंडी बहुत पसंद है, वो अपने लिए सबसे पहले अपनी भिंडी पसंद करके ना चॉपर में भर रहा है. ये खराब है, अच्छी अच्छी डालो ना फिर. यार आपको पता है ना, भिंडी सारा ठीक है, भिंडी सारा ठीक है, भिंडी बस भिंडी. ये तुम्हारी इतनी पसंद है भिंडी, आज अपना पहला रोजा तुम भिंडी के साथ अफ्तार करोगे? वैसे मैं अम्मी को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बनाए चावल बना के ना भिंडी, अच्छा मजा आता है, अच्छा साथ है. मुबीन खीरे भी तुम्हें पसंद है? ये सबको पसंद है भाई. खीरा मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा है. गाइस आप लोग भी खीरे खाया करें, स्किन के लिए बहुत अच्छा. देखो मैं कितने चमक रहा हूँ, चीज और चमक देता है. क्या बैंगन? बैंगन बैंगन भी लेते हैं गाइस, चमकीला होते हैं ना, वो चमकीला होते हैं. देखो चमक रहे हैं अंकल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह. टमाटर की वीडियो भी बनाऊं भैया? टमाटर का थोड़ा सा बनाऊं. ये गाइस मुबीन सामान लेते हुए भाई जान, इसके आज भी तराजू है माशाल्लाह, इतना बड़ा फास्ट बंदा है. बिल पे किया अभी? कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ यार, बिल्कुल ज्यादा होता है यार, छोड़ो. ये गाइस मैंने थोड़ा सा सब्जी ले लिया, अभी जाके फ्रूट्स भी लेना है, उसके बाद फिर गोश्त, फिर घर फ्रूट भी ले लिया. जल्दी से बिल कर मलागा खान साहब, बिल कर दा ये मुबीन को देख सकते हैं किस तरह सामान उठा के बैठा हुआ है. मोबाइल चल यार, तू आज ड्राइविंग करो, मैं ऐसे कैसे पकड़ू यार बैग? मैं कर रहा हूँ. चलो यार तू चलो यार. A few moments later. ये वाला लेंगे. कौन सा ले ले मुझे मिले? डीसी ले लो, इस बिचारे को मार दो, मार दो इसको. गाइस मैं इनकी जुबान में, एक सेकेंड इनकी जुबान में बात कर रहा हूँ, इससे बोलता हूँ यार तुम रेडी करो. हाँ बिल्कुल रेडी है गाइस, बिल्कुल रेडी है. ये कौन है? ये लोग कहाँ से आते हैं? भाई भी आस्त रहा है सर पे डिशू. ओए ना भागो यार, मैंने उसको बोला भी कि मैंने ना भागो तुम्हें मार यार. कुछ नहीं होगा यार, बैठो यार अपनी जगह पे, कुछ नहीं होगा. हमारे पेट में आने वाले आप लोग, कुछ नहीं होगा. आप लोग नहीं, आप लोग सेव हो गया वो दोनों. कंट्रोल. सो गाइस मैं घर पहुंच गया, अभी 20 मिनट हो गए मुझे पहुंचने से. सो अभी मेरी अम्मी जल्दी से जल्दी, सबसे पहले उसको पता है ना कि मैं भिंडी पसंद करता हूँ जान. हाय अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह. भिंडी मेरे लिए बना रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह. ये क्या है जो डाला? ये टमाटर का पीस. हाँ टमाटर लहसुन अदरक के साथ. वाह जी वाह, क्या अच्छा सा आएगा गाइस. अभी मुर्गी का भी इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जी. मैं शरारा महिला के पास जाता हूँ कि रोज़ा लग गया अभी तक या नहीं. अभी तो भाई 5 बजे हो गया जी, देखते हैं अभी रोज़ा लग गया या नहीं. ओए मरा हुआ लोग है ये, खुदा की कसम ये लोग इतना सोएगी यार, मतलब पूरा रोज़ा को ये लोग सोती रहेगी. अभी मैं लोग उठाऊँ तो
पता नहीं गुनाह हो गया सवाब। नहीं नहीं मुझे उठाना पड़ेगा इन लोगों को भाई जान, 5:30 होने वाले हैं, अभी तक इन्होंने मेरे अम्मी के साथ कोई मदद नहीं किया, ठीक है उठाना पड़ेगा। ए ओए इंसान के बच्चे उठो, ये तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हैं। लो जनाब मतलब कुछ भी मतलब शोर ना करो, उठो यार मम्मी के साथ मदद कर लिया कर यार, कब तक कब तक। गाइज आप लोग बताइए ये लोग सही कर रहे हैं कि नहीं यार, गलत है यार। गाइज हम एक चीज भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज खजूर, खजूर खजूर। हम दस्तरखान की शान को कैसे जी, भूल गए जी, जी। हम अफतारी की जान को कैसे भूल गए, सब्जी आके खजूर लेने अभी लेंगे, अभी लेंगे और थोड़ा सा ये मिठाई शिताई और 2-3 कोक लेंगे ताकि हम खाना बहुत ज्यादा खाएंगे वो तो हल हो जाए यार। 20 minutes later सो गाइज फाइनली हमारा दस्तरखान रेडी है और अजान हो गया है, नहीं हुआ पापा अजान हो गया और ये लोग इफ्तारी कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा ना नान लाने के लिए थोड़ा सा लेट किया, सो बिस्मिल्लाह कर रहा है महिला तो मैं भूख ज्यादा लगी थी प्यास पूरे दिन सोने पे गुजर गया कुछ भी नहीं जावर पड़ा शरारा। अम्मी आपको मुबारक, आमीन आमीन खैर मुबारक आमीन। अच्छा तुम भी नहीं किया, अच्छा अम्मी आपको ज्यादा भूख लगी थी यार, कुछ नहीं लगी थी माशाल्लाह, पहले दिन है भाई अभी 2-3 दिन गुजरने दो उसके बाद पापा से पूछते, पापा क्या हाल है आपका, रमजान मुबारक। अल्लाह की शुक्र ये रमजान आ गया, मैं बहुत खुश हूँ अभी हम सारे एक जगह माशाल्लाह। और ये बताएं कि आपको भूख लगी थी या प्यास? मेरा भूख नहीं लगी, प्यास लग गया, प्यास लग गया जी। चलो मुजम्मिल भाई से पूछते हैं, मुजम्मिल भाई आपको ज्यादा प्यास लगे? नहीं प्यास नहीं लगी थी क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ठंडा है, मुझे भूख लगी हुई थी और बहुत ज्यादा लगी हुई है, अभी तक मैंने इफ्तारी नहीं की। अगर तुम 10 मिनट का डिफरेंस है तो मैं उसका वेट कर रहा हूं। जी जी गाइस अगर मेरे बातों पे अगर तुमने वेट करना है ना तो मैं भूख लग जाएगा, मैं तो इधर भी लूंगा भाई, तो मैं कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह करो मुजम्मिल। सो गाइस हम बैठ के बिस्मिल्लाह करते हैं ठीक है गाइस, उसके बाद फिर खाना खाना का टेस्ट भी बताते हैं। शमाइला खाना अच्छा लगा? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बंदा हमारे बीच में ये माइला लग रही है मेरे ख्याल से, सबसे पहले इससे पूछते हैं, मम्मा तो बनाती है बॉडी बिल्डर वाला मम्मा तो माशाल्लाह बनाती है, सारा अकेला बनाया ये, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना इतना फारिग लोग है ये दोनों, मतलब काम करने वाला नहीं। सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आप सबको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओ क्या था कमेंट कमेंट में पहले भी बता दिया था कि मम्मा आपने बोलना है कि कमेंट भी जरूर करना, क्या करना? अच्छा कमेंट करना। सो गाइस अभी मेरे पापा अपने लैंग्वेज पे एक दुआ सुनाएगा। بسم الله الرحمن الرحيم شكر خدای نعمت دفیب الله زحمت صلی علی محمد صلوات بر محمد خیر برکت نور محمد عاقبت بخیر ایمان بسلامت برکت عمر برکت رزق برکت خاندان جزاک الله خیرا کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد و آل محمد رمضان مبارک پھر بھی سب کو رمضان مبارک سب لوگ کا رمضان سب کو رمضان مبارک